हाथ से पकड़ लेगा 956 हो जाएगा। टाइम्स में सेट कर दो। बच्चे लोग का है यार। रोलिंग down.
তুমি একটু দরজাটা ধরে রেখো, তুমি একটু সামলে নাও, এই 5 মিনিটের ব্যাপার। থ্যাঙ্কস। না চলো না পড়া চলি হাসি গা মত হম জো জো বলেঙ্গে संगीत मेरे जीने का आधार है। जिंदगी के हर पहलू में संगीत समाया हुआ है, छाया हुआ है। संगीत के बिना मैं कुछ और कर पाऊंगा ऐसा लगता नहीं, और मैं अपने मन की भावनाओं को संगीत के द्वारा ही एक्सप्रेस कर सकता हूं, व्यक्त कर सकता हूं। संगीत मेरे जीने का आधार है। जिंदगी के हर पहलुओं में संगीत समाया हुआ है। संगीत के बिना मैं कुछ कर सकता हूं ऐसा लगता नहीं। या ये इस बार नेचुरल नहीं हुआ। वंस मोर यू जस्ट आस्क देन आई स्टार्ट जस्ट काइंड ऑफ इंटरव्यू दैट फीलिंग आई वांट व्हाट डज म्यूजिक मीन टू यू। संगीत मेरे जीने का आधार है। जिंदगी के हर पहलू में संगीत समाया हुआ है। मेरे आत्मा की आवाज, मेरे अंदर का जो एक्सप्रेशन, वो मैं संगीत के द्वारा प्रस्तुत कर सकता हूँ ऐसा मुझे लगता है। और संगीत के सिवा और कोई चीज सोच भी नहीं सकता।
question is, how do you relate to flute? Why flute? बांसुरी मेरा सबसे प्रिय साज है क्योंकि मैंने बचपन से पिताजी को बजाते हुए देखा और मैं पहले गाना सीखता था पंडित लक्ष्मण प्रसाद जयपुर वाले जी से और मुझे लगता है कि बांसुरी वोकल से बहुत नज़दीक है। इसमें वोकल की हर बात बजाई जा सकती है, गायकी बजाया जा सकता है और बांसुरी प्रकृति के बहुत नज़दीक है और सबसे नेचुरल इंस्ट्रूमेंट है जो बांस आप जंगल से लाते हैं और उसमें 6 होल बना के बजाते हैं। तो मुझे इस साज से शुरू से प्यार रहा। इसमें एक प्रकृति की पुकार है, फोक म्यूजिक का, लोक संगीत का एलिमेंट है, क्लासिकल बज सकता है, हर फीलिंग्स हर इमोशंस इसमें दर्शाया जा सकता है, बजाया जा सकता है। Is it true that some people say you can talk through the flute? You can talk. जरूर, you can talk, आप बात कर सकते हैं इसीलिए क्योंकि इसमें जीभ का प्रयोग होता है जिसको हम लोग टंकिंग कहते हैं और वो झाला पोर्शन में ऐसा लगता है कि जैसे बात करते हैं, बात किया जा रहा है, तो उस बात का मजा इसमें, उसका इसमें आनंद मिलता है। बैकलाइट कुछ ये हो रहा है, इसमें भी एडिट कर देंगे ना आप कि रखेंगे ये? अच्छा flute mean to you? I mean, as an instrument and within you, how do you feel towards flute? मैं महसूस करता हूँ कि बांसुरी से वोकल की सारी बातें बजाई जा सकती हैं और जैसे कि मैंने गाने से म्यूजिक सीखना शुरू किया तो पिताजी को शुरू से बांसुरी बजाते हुए देखा तो उसकी आवाज जो है वो मुझे इतना प्रभावित करती रही, इतना अपील किया उसने कि मुझे लगा कि बांसुरी के बिना मैं जी नहीं सकता और बांसुरी की जो आवाज़ है वो प्रकृति नेचर के बहुत करीब है, नेचर ही है वो और सबसे नेचुरल इंस्ट्रूमेंट है। आप जंगल से लाके उसमें कुछ ऐड नहीं करते, एक माउथ पीस का 1 होल और 6 होल बना के बांसुरी को बजाते हैं और बांसुरी में टंग का यूज़ होता है, ऐसा लगता है कि बातचीत हो रहा है, तराना का फीलिंग आता है जैसे कि शास्त्रीय संगीत में तराना बसता है, गमक बसता है, ये सारी बातें बांसुरी में बजाई जा सकती है। तो एक वही एक क्वालिटी है जब आई मीन बातचीत का वो करीब आ सकते हैं लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट सिर्फ वही एक अच्छा क्वालिटी नहीं हो सकता ना, मतलब एक क्वालिटी हो सकता है दैट्स नॉट ऑल। और क्या क्या है मतलब बांसुरी बजाने में भी थोड़ा मुश्किल है, उसके सिवा और क्या क्या है? व्हाट एल्स अट्रैक्टेड यू टू फ्लूट? बेसिकली इट्स साउंड, naturality, and because it comes edit कर दीजिए, इसकी जो आवाज है वही इसके प्रति रुझान का मेन कारण है और क्योंकि ये फूंक से बजता है तो इसमें मुझे लगता है कि गायकी की सारी बातें और ऐसा लगता है कि गाना और बांसुरी बजाना दोनों दिल को छू जाता है क्योंकि इसमें आप फूंक कर बजाते हैं जैसे गाना गा कर बजाते हैं तो ये एक अंदर से जो एक बात आती है तो वो बांसुरी में ही पाई जाती है और बांसुरी मेरा सबसे प्रिय साज है। चलिए हाथ दादा कुछ ना आई नो पकड़े ना हंस ध्वनि में 5 स्वर लगते हैं सारे गा पानी और इसमें आपको नॉर्थ इंडियन म्यूजिक और कर्नाटिक म्यूजिक दोनों का फीलिंग मिलता है। बेसिकली ये कर्नाटिक राग है और लेट मराठी हंसध्वनि औडव जाति का राग है, औडव जाति से मतलब जिसमें 5 स्वर लगते हैं और ये राग कर्नाटिक राग है, कर्नाटिक राग से यहाँ लाया गया उस्ताद आमिर खान साहब
पंडित रविशंकर जी, ये लोग मेरे गुरु जी पंडित विजय राघव राव, ये लोग इसको पॉपुलर किए। और इस राग में आपको एक बच्चे की हंसी, एक खुशी का एहसास होगा, हर तरह की भावना इसमें प्रदर्शित की जा सकती है। और हंसध्वनि में किसी तरह का फ्यूजन म्यूजिक बनाना बहुत आसान है, क्योंकि इसमें वेस्टर्न कॉर्ड्स भी बहुत अच्छे मैच होते हैं और काफी फ्यूजन इसमें बने भी हैं। हंसध्वनि में बेसिकली ये एक चंचल राग है और ये द्रुत गति में बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि एक एक राग का एक एक रस होता है जिसको इमोशन हम लोग बोलते हैं, ऐसी चंचल प्रकृति का राग है। और आलाप भी अच्छा होता है इसमें, मगर इसमें द्रुत गति के गत बहुत अच्छे लगते हैं, ऐसा मुझे लगता है।